राजधानी रायपुर के धरना स्थल बूढ़ा तालाब के पास आज छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नवीन अंशदायी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लागू की गई, जो कि पूर्ण रूप से बाजार आधारित एवं जोखिम पूर्ण है। आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक मात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हुए हैं, और ये पूरे देश भर में जन जागरण अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करने आए हैं कि चुनाव के समय में उन्होंने बहुत सारी बातें हम लोग के मुद्दे के बारे में कहा था। दुर्भाग्य है कि आज इतने दिन सरकार में होने के बाद भी अभी तक उन्होंने इस दिशा में कोई पहल नहीं किया है। उनको जागृति करने के लिए, उनको फिर से हम सचेत करने के लिए आज हम लोग इस बूढ़े पार्क में इकट्ठा हुए हैं, इस बात के लिए कि हमें पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। मैं पुरानी पेंशन इसलिए नहीं मांग रहा हूँ, कोई नई चीज़ है, ये बहुत पहले से जमाने से चला आ रहा है, मुगलों के जमाने में रहा, अंग्रेजों के जमाने में पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था हमारे कर्मचारियों के लिए थी, और आज चाहे वो चपरासी से लेकर के आईएएस तक इस व्यवस्था से बाहर है। और बड़ा दुख हो रहा है कि देश का अर्धसैनिक बल जो देश के लिए जान दे रहा है, बॉर्डर पर लड़ रहा है, और उसको भी पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। दुर्भाग्य से इस देश का अगर नेता एमपी एमएलए अगर पुरानी पेंशन का हकदार है, तो निश्चित रूप से अर्धसैनिक बल और उसके साथ साथ शिक्षक कर्मचारी भी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। और आज तमाम विभागों के लिए, तमाम सारे हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के तमाम सारे पदाधिकारी इसी बात को लेकर जन जागरण अभियान के तहत यहाँ आए हुए हैं। आज जब हम छत्तीसगढ़ के इस संघर्षशील धरती पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत बड़ी, निश्चित रूप में बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। एक तरफ हमारे सामने पेंशन का सवाल मुंह आड़े खड़ा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो नीतियां लेकर आ रही है, आज भारतीय रेलवे पर निजीकरण के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और हमें इस बात का खदशा है कि हम पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें नौकरी से बाहर कर दिया जाए, परंतु ये समस्या हमें ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। हम जानते हैं कि हम कर्मचारी ही संकट में नहीं है, सिर्फ हमारा इशू न्यू पेंशन स्कीम ही नहीं है, निजीकरण भी हमारा इशू है। इस देश का किसान संकट में है, इस देश का नौजवान संकट में है, इस देश का विद्यार्थी संकट में है, और इस देश का समूचा मेहनत का आवाम संकट में है। आने वाले दिनों में हम आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर सभी संगठनों के साथ, सभी मेहनत कश लोगों के साथ एक साझा मंच बनाएंगे, जिसके तहत हम भारत सरकार की साम्राज्यवादी जो नीतियां हैं, जिसके तहत गरीब लोगों के, मेहनत कश लोगों के, कर्मचारियों के हक छीने जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ एक तगड़ी जो मूवमेंट है वो बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इसका ऐलान बहुत जल्दी हो जाएगा। टीसीपी 24 न्यूज के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट।